यश और मिट्टू किट्टू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। यश बाइक चला रहा था और मिट्टू पीछे बैठ के मैंगो खा रहा था। यार मिट्टू ये बताओ, तुम्हारी दीदी से आखिरी बार बात कब हुई थी? तब मिट्टू बताता है कि उस दिन किट्टू ऑरेंज लाने के लिए जंगल गई थी और फिर लौट कर नहीं आई। तभी उसे सिग्नल मिला कि किसी ने किट्टू को किडनैप कर लिया है और उसके बाद ही कनेक्शन टूट गया। अच्छा तो ये बात है। यश की बाइक हवा में उड़ रही थी, तभी अचानक यश को सामने कुछ दिखाई देता है। तुरंत अपनी दूरबीन बाहर निकालता है और मिट्टू को देखने के लिए कहता है। मिट्टू सामने देखता है तो उसे बहुत सारे लोग दिखते हैं। यश अपनी फायर गोली निकालता है और ऊपर से फेंकने लगता है। मिट्टू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बॉम्ब बॉम्ब भागो भागो। सारे लोगों को लगता है कि ऊपर से कोई बॉम्ब फेंक रहा है, इसलिए सारे लोग वहां से भाग जाते हैं। एक आदमी अपने बच्चे को लेकर झाड़ियों में छुप जाता है। ये देखकर यश को अपने पापा की याद आ जाती है। अब यश के पापा इस दुनिया में नहीं रहे हैं और यश खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा है। यश की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। यश एक हाथ से हैंडल छोड़कर अपने आंसू पोंछने लगता है। क्या हुआ यश, तुम क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं दोस्त, कुछ पुराने दिन याद आ गए। तभी अचानक यश के दिमाग में कुछ आता है। जिस बुक में गोस्ट के बारे में और यश के पापा की हिस्ट्री लिखी हुई थी, उसी बुक का बैक कवर काफी मोटा था। हो सकता है उसके अंदर कुछ राज छुपा हुआ हो। मिट्टू हमें वापस गोसिस्तान जाना होगा। यश अपनी बाइक वापस गोसिस्तान की तरफ ले लेता है। उधर रजनी ने हिमालय की चोटियों को तबाह कर दिया था। बर्फ की चट्टाने टूट रही थी, नीचे गिर रही थी। रजनी और भील वहां से भागने लगते हैं। भील को बर्फ में चलने की आदत थी, लेकिन रजनी बर्फ पे बराबर चल नहीं पा रही थी। रजनी जल्दी भागो, वो देखो ऊपर तेजी से हमारी तरफ आ रही है। लेकिन तभी अचानक भील आगे निकल जाता है और रजनी बर्फ के नीचे दब जाती है। भील रजनी को बचाने के लिए वापस दौड़ता है। धीरे धीरे भील की स्पीड तूफान से भी तेज होने लगती है। भील हवा से बातें करने लगता है। भील किसी सुपर हीरो की तरह सीधे बर्फ के अंदर घुस जाता है और रजनी को लेकर बाहर आ जाता है। रजनी के साथ कूद रही थी, वो जोरों जोरों से हाँफ रही थी। तुम ठीक तो हो ना रजनी? हाँ मैं ठीक हूँ भील। तभी अचानक वहां पर एक बहुत बड़ा पक्षी आता है और भील के कंधे पर बैठकर कुछ बताने लगता है। हमें तुरंत कबीले में जाना होगा, मेरी माँ बहुत बीमार है। भील और रजनी फिर कबीले की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद भील और रजनी कबीले में पहुंच जाते हैं। भील की माँ बहुत बीमार थी, उसकी आंखें लाल थी और वो कुछ बोल नहीं रही थी। कबीले का वैद्य भील को बताता है कि उसकी माँ को बचाने के लिए हिमालय के जंगल से एक जड़ी बूटी लानी होगी। आप मुझे उस जड़ी बूटी के बारे में बताएं, मैं अपनी माँ को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर दूंगा। फिर वैद्य भील को उस जड़ी बूटी के बारे में बताता है और भील बिना देरी किए तुरंत हिमालय के जंगलों की तरफ जाने लगता है। रुको भील, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और फिर भील और रजनी जड़ी बूटी लेने के लिए निकल जाते हैं। उधर यश और मिट्टू गोसिस्तान पहुंच जाते हैं। यश तुरंत लाइब्रेरी में जाता है और गोस्ट हंटर वाली बुक सर्च करने लगता है। यश को बुक मिल जाती है। यश पेजेस पलटने लगता है तो उसे अपने पापा का चेहरा दिखता है। यश बुक को उल्टा करके देखता है तो बैक कवर बहुत ही मोटा सा था। यश बुक को हिलाकर देखता है तो उसमें से मेटल जैसी आवाज आ रही थी। इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, इसके अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। लेकिन यश को समझ नहीं आ रहा था कि बुक के कवर को कैसा खोला जाए। यश कवर को इधर उधर करने लगता है लेकिन कवर ओपन नहीं हो रहा था। लाओ यश, ये मैं ट्राई करता हूँ। मिट्टू भी काफी ट्राई करता है लेकिन कवर पेज ओपन नहीं होता। तभी यश अपनी आंखें बंद करके फोकस करता है और बैक कवर पे अपना हाथ रखकर कुछ करने लगता है। बुक के पीछे एक छोटा सा सीक्रेट पॉकेट था और उसके अंदर चाबी रखी हुई थी। यश तुम्हारे अंदर ये शक्तियां हैं। अभी तो ये शुरुआत है, मेरे पापा ने मुझे बहुत शक्तियां दी है। यश चाबी को देखने लगता है। अरे यार ये चाबी किस चीज की हो सकती है? ये चाबी तो किसी तहखाने की लग रही है। तहखाने का नाम सुनते ही यश को कुछ याद सा आने लगता है। कोई तहखाना है और एक आदमी उस दरवाजे को बंद कर रहा है। लेकिन यश को ठीक से याद नहीं आ रहा था। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है लेकिन मैंने इस चाबी का ताला कहीं पर देखा है। यश और मिट्टू कोशिस्तान में तहखाने को ढूंढने लगते हैं। यश पूरे गोसिस्तान का एक एक कोना छान मारता है लेकिन कहीं पर भी तहखाना नहीं मिलता। दोनों थक हार कर स्विमिंग पूल के पास बैठ जाते हैं। यश स्विमिंग पूल में बैठकर पत्थर फेंकने लगता है। मिट्टू भी यश की तरह एक छोटा पत्थर उठाता है और स्विमिंग पूल में फेंक देता है लेकिन उसका पत्थर बाउंस नहीं होता। तभी अचानक यश को कुछ याद आता है। अरे यार मिट्टू, तुझे पता है मेरा स्विमिंग पूल हर दो दिन में खाली हो जाता है। पता नहीं स्विमिंग पूल का पानी कहाँ गायब हो जाता है, कहीं स्विमिंग पूल के नीचे। यश तुरंत स्विमिंग पूल का सारा पानी बाहर निकाल देता है।
और कुदाल लेकर स्विमिंग पूल को खोदने लगता है। मिट्टू भी यश की हेल्प करने लगता है और स्विमिंग पूल की मिट्टी बाहर फेंकने लगता है। पूरे 2 घंटे तक खुदाई करने के बाद स्विमिंग पूल के नीचे एक प्लेट निकलती है। यश प्लेट को बाहर निकालता है तो अंदर एक सुरंग बनी हुई थी। यश तुरंत अपने बेडरूम में जाता है और एक मसाल ले आता है। यश और मिट्टू मसाल लेकर सुरंग के अंदर जाने लगते हैं। सुरंग के अंदर रास्ता बना हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग के अंदर कोई बरसों से आया ही नहीं है। जगह जगह पर मकड़ियों के जाले बने हुए थे। सुरंग के रास्ते चलते चलते यश और मिट्टू तहखाने तक पहुंच जाते हैं। अरे ये तो तहखाना है। यश अपनी जेब से चाबी निकालता है और तहखाने के दरवाजे में लगाने लगता है। चाबी लगाते ही दरवाजे में कुछ हलचल होने लगती है। मिट्टू डरकर यश के पीछे छुप जाता है। धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगता है। यश और मिट्टू तहखाने के अंदर चले जाते हैं। अंदर बहुत सारा खजाना रखा हुआ था। हीरे मोती भर भर के रखे हुए थे। मिट्टू खजाना देखने लगता है और यश तहखाने के अंदर छानबीन करने लगता है। तभी यश की नजर एक बेल्ट पे पड़ती है जो देखने में काफी अट्रैक्टिव लग रहा था। ये क्या चीज है? यश बेल्ट को उठाकर देखता है तो उसपे आगे की तरफ टोटल 5 स्टोन्स रखने की स्पेस बनी हुई थी। यश को कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या चीज है। यश उसे इधर उधर करके देखता है और फिर अपनी कमर में पहन लेता है। जैसे ही यश बेल्ट को पहनता है उसे कुछ स्पेशल पावर्स फील होने लगते हैं। इस बेल्ट से तो मुझे बहुत पावरफुल फील हो रहा है। ये जरूर मेरे पापा का होगा। शायद ये 5 पेस वो 5 स्टोन्स के लिए बने हुए हैं। यश ये बेल्ट तो तुम पे काफी सूट कर रहा है। थैंक यू मिट्टू, लेकिन अब हमें किट्टू को ढूंढना होगा। ये बुक को मैं साथ में रख लेता हूँ। इसमें गोस्ट को मारने के तरीके हैं और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है। यश और मिट्टू सुरंग से बाहर आते हैं और किट्टू को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर भील और रजनी हिमालय के जंगल में पहुंच जाते हैं। भील स्मेल से जड़ी बूटी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हिमालय के जंगलों में एक नहीं बल्कि हजारों तरह की जड़ी बूटियां लगी हुई थी। भील और रजनी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। भील पूरे फोकस के साथ वैद्य की बताई जड़ी बूटी सूंघने का ट्राई करता है। भील का फोकस करते ही उसके चारों तरफ एक रोशनी निकलने लगती है और उसके आसपास की जड़ी बूटियां चमकने लगती है। एक जड़ी बूटी खुद ब खुद उड़ के भील के हाथों में आ जाती है। वाओ! भील आंखें खुलता है और फिर भील और रजनी जड़ी बूटी लेकर वापस कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर अनादि कोस यूनिवर्स से बाहर निकलकर वापस अपने घर आ गया था। अनादि के दो चेले भी थे, अज्जू और रज्जू। अज्जू और रज्जू अनादि से कोस यूनिवर्स के बारे में पूछते हैं तो अनादि बताता है कि गोस्ट यूनिवर्स में सारे भूतों ने मिलकर उसे बहुत मारा, लेकिन वो भी किसी से कम नहीं है। उसने सारे भूतों का भरता बना दिया। उस्ताद, फिर आपने जलचस का क्या किया? अरे वो तो अपने बाएं हाथ का खेल था। फिर अनादि बताता है कि जलचस बहुत पावरफुल था, लेकिन उसका नाम भी अनादि है। उसने जलचस को मार मार कर कीमा बना दिया और फिर गोस्ट यूनिवर्स के भूतों ने खुद अनादि को छोड़ दिया। आपके पावर का तो जवाब नहीं। इसके बाद अनादि अज्जू और रज्जू को फिर गप्पे सुनाने लगता है। तभी अचानक जलचस अटैक कर देता है। तब अनादि अज्जू और रज्जू को बताता है कि ये जलचस है। जलचस का नाम सुनते ही अज्जू और रज्जू गुफा के अंदर छुप जाते हैं, लेकिन अनादि जलचस से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अनादि का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और अनादि के गुस्से के वजह से समुद्र का पानी इधर उधर होने लगा था। अनादि पानी के ऊपर आ जाता है और तेज आवाज में चिल्लाता है, जलचस, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अनादि और जलचस के बीच में जोरदार फाइट शुरू हो जाती है। जलचस पानी का बवंडर बना देता है और अनादि उसमें फंस जाता है, लेकिन अनादि भी पानी को कंट्रोल कर सकता है। अनादि अपने पावर से पानी के बड़े बड़े गोले बनाता है और जलचस के ऊपर फेंकने लगता है। पानी के गोले इतने तेज थे कि जलचस नीचे गिर जाता है और इतने में मौका पाकर अनादि बवंडर से बाहर आ जाता है। जलचस दोबारा से अपनी पावर यूज करता है और अनादि को घायल कर देता है। अनादि को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और समुद्र के पानी की रस्सी बनाकर जलचस को उसको जकड़ लेता है। जलचस खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो पानी की रस्सी को तोड़ नहीं पाता। ये मेरा इलाका है, यहाँ मेरे पावर 2 गुना हो जाते हैं, यहाँ तू मुझे नहीं हरा सकता। तभी अचानक वहां पर कोस यूनिवर्स के भूत आ जाते हैं और जलचस को गायब करके अपने साथ ले जाते हैं।
बच गया, वरना आज उसका किस्सा खत्म ही कर देता। जलजस के जाते ही अज्जू और रज्जू वहां आ जाते हैं। उस्ताद, आपने तो जलजस को बॉक्सर की तरह मारा। और फिर अनादि अज्जू और रज्जू को अपने बॉक्सिंग के किस्से सुनाने लगता है। अनादि लंबी लंबी फेंकने लगता है और उन्हें अपने किस्से बताने लगता है। उधर यश और मिट्टू किट्टू को ढूंढते ढूंढते एक बहुत बड़े जंगल में पहुंच जाते हैं। मिट्टू जोर जोर से चिल्लाने लगता है, दीदी कहाँ हो तुम? समझ में नहीं आ रहा है, ये दूसरा गोस्ट हंटर कहाँ से आ गया और उस किट्टू को क्यों पकड़ लिया है? तभी अचानक यश की घड़ी में अलार्म बजने लगता है। इसका मतलब पास में गोस्ट है। यश अपनी बाइक नीचे ले लेता है और गोस्ट को सर्च करने लगता है। चारों तरफ घने घने पेड़ लगे हुए थे और भूत इन पेड़ों के बीच में कहीं छुपा हुआ था। मिट्टू भी भूत को ढूंढने लगता है। तभी अचानक यश पीछे देखता है तो मिट्टू गायब था। यश धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है तो उसकी खड़ी जोर जोर से आवाज करने लगती है, कहीं गोस्त ने मिट्टू को, अगर मिट्टू को कुछ हो गया तो मैं किट्टू को क्या जवाब दूंगा? यश तुरंत अपनी गन एक्टिवेट करता है और अपनी वॉच से गोस्त को ट्रैक करता है। गोस्त की लोकेशन बिल्कुल सामने वाले पेड़ पे आ रही थी। यश अपनी गन से एक टोर्नेडो बनाता है और सामने वाले पेड़ पर छोड़ देता है। गोस्त बवंडर में फंस जाता है, लेकिन गोस्त के साथ साथ मिट्टू भी बवंडर में घूमने लगता है। अरे ये तुमने क्या कर दिया यश? यश तुरंत अपनी गन से टोर्नेडो में निशाना लगाता है। यश फायर कर देता है और यश की कैप्सूल टोर्नेडो के अंदर जाके सीधा गोस्त को लगती है और गोस्त उसमें कैद हो जाता है। और फिर यश अपनी गन से टोर्नेडो को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन मिट्टू? क्या मिट्टू, तुम भी? मैं हूँ तो गोस्त, लेकिन खुद भी गोस्त से बहुत डरता हूँ। यश मिट्टू को एक तालाब के पास ले जाकर पानी पिलाता है और उसके बाद वो दोनों वापस से किट्टू को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर जलजस अनादि से हार कर कुछ दिवस में अपने भाई वलजस के पास जाता है। मुझे कैसे भी करके धरती पे कब्जा करना है, मुझे इंसानों से नफरत है। चिंता मत करो वलजस, हम तुम्हारे साथ है। जाओ कोस्ट आर्मी बनाओ। इतने में वलजस की नजर अपने छोटे भाई जलजस पर पड़ती है। जलजस वलजस को बताता है कि अनादि कोस्ट यूनिवर्स से भाग गया है और उसी ने उसकी ऐसी हालत की है। जाओ उसे पकड़ कर लाओ। जलजस अपने साथ बहुत सारे कोस लेकर वापस अनादि को मारने के लिए निकल पड़ता है। उधर यश और मिट्टू किट्टू को सर्च करते हुए किसी स्पेशल जगह पे पहुंच जाते हैं। वहां कोई बहुत बड़ा राज्य था, बहुत सुंदर सुंदर तालाब और झील दिखाई दे रहे थे। अरे ये तो बहुत ही कूल प्लेस लग रही है, चलो चलकर देखते हैं। यश अपनी बाइक नीचे उतार लेता है और वो लोग उस राज्य में पहुंच जाते हैं। नीचे जाते से यश देखता है कि वहां पर जगह जगह बड़े बड़े ग्लास के बॉटल रखे हुए हैं और उनके अंदर कोस रखे हुए हैं। ये क्या मामला है यार, बात कुछ हजम नहीं हो रही है। लगता है दीदी को भी यहीं कहीं पर रखा होगा। यश मेरी दीदी को बचा लो। और फिर मिट्टू रोने लगता है। अरे यार रोना बंद करो, मेरे होते किट्टू को कुछ नहीं होगा। यश मिट्टू के आंसू पोंछने लगता है। तभी वहाँ किसी के आने की आहट सुनाई देती है। यश और मिट्टू एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। उन लोगों की ड्रेस बहुत ही स्पेशल थी, सारे लोग डिसिप्लिन के साथ जा रहे थे और उनके पीछे एक गोस्ट को पकड़ के लाया जा रहा था। गोस्ट को एक कांच के बॉक्स में बंद करके रखा गया था। लगता है यहाँ कोई बहुत बड़ा गोस्ट हंटर रहता है। यश तुरंत अपनी बाइक को झाड़ियों के पीछे छुपा देता है। वहीं बगल में एक दादी अम्मा कपड़े सुखा रही थी। यश छुपके से दो दुपट्टे उठा लेता है। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी यश को देख लेता है और यश की तरफ आने लगता है। मर गए यार, ये आदमी मेरी तरफ क्यों आ रहा है? यश और मिट्टू पीछे घूम जाते हैं, लेकिन वो आदमी यश का दुपट्टा हटा देता है। कहीं तुम विक्रांत के बेटे तो नहीं? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल विक्रांत जैसा है। अपने पापा की बात सुनकर यश एकदम हैरान हो जाता है। आप मेरे पापा को कैसे जानते हैं? तब वो बूढ़ा आदमी बताता है कि यश के पापा उसके बहुत अच्छे दोस्त थे और यश का एक भाई भी था। मेरा भाई भी है? लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। यश और मिट्टू भी एक झोपड़ी के पीछे छुप जाते हैं। मिट्टू सुना तुमने, मेरा एक भाई भी है। तभी अचानक ढोल नगाड़े की आवाज सुनाई देने लगती है। सुनो सुनो सुनो, हमारे प्रिंस ने सभी लोगों को दरबार में बुलाया है। ये है इस राज्य का प्रिंस। यश की तरह ये भी बहुत बड़ा कोस्ट हंटर है। इसकी उम्र तो ज्यादा नहीं है, लेकिन इसने बड़े बड़े भूतों को मजा चखाया है। प्रिंस के राज्य में सारे लोग बहुत खुश रहते हैं। प्रिंस अपने राज्य के लोगों की बहुत केयर करता है। उसने अपने राज्य में कोने कोने में गोस्ट चेंबर बनवा रखे हैं। गोस्ट चेंबर में भूतों को पकड़ के वो टाल देता है। प्रिंस के पास एक स्पेशल तलवार है और केवल इसी तलवार से गोस्ट चेंबर का दरवाजा खुलता है, इसलिए गोस्ट चेंबर के भूतों का भागना इम्पॉसिबल है। प्रिंस के पास खुद की एक आर्मी भी है। प्रिंस की आर्मी में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। भूतों से फाइट करने के लिए एक स्पेशल गोस्ट फाइटर डिपार्टमेंट भी है।
घोस्ट फाइटर दिन भर आराम करते हैं और रात के समय भूतों को पकड़ने के लिए राज्य में निकल पड़ते हैं। पूरी रात राज्य के कोने कोने में घोस्ट फाइटर्स घूमते रहते हैं और इसलिए राज्य के सारे लोग चैन से सोते हैं। आज प्रिंस के दरबार में पिंक कलर के भूत को लाया गया है, इसलिए राज्य के सारे लोगों को वहां बुलाया जा रहा है। कहीं ये किट्टू तो नहीं? अब क्या होगा आगे? क्या यश किट्टू को बचा लेगा और क्या भील अपनी माँ की जान बचा पाएगा? देखेंगे हम अगले एपिसोड में।